हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीता वर्मा ब्लॉग। और गाइस सबसे हो सो अच्छो स्वस्थ। और गाइस मेरा फेस अच्छा लग रहा हूँ आपको, जैसे सो के उठी हूँ सैलो सैलो था। तो गाइस ये है दवाइयों का साइड इफेक्ट जो मैं बैक पेन के लिए ले रही हूँ। मतलब मेरी ना आँख ही नहीं खुलती, नींद नहीं आती, ज़बरदस्त वाली नींद आती है। बल्कि कल रात को लेनी होती 8 बजे, लेकिन मेरा 12 बजे तक इसका असर रहता है। और मैं चाय पी के सो गई थोड़ी देर, मतलब आँख बंद करो ना यूँ सिर झूमता है। तो वही है कि इस दवाई का ना थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। ये दवाई ना स्कूल लेके गई और आज स्कूल जाना नहीं है, तो इसलिए लगा ली मैंने मशीन। मेरे कपड़े धुल जाए ना धूप धूप में तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मौसम ऐसे हो रहा है खराब। कल भी बारिश आई थी और मशीन लगा के मैं बस डस्टिंग वगैरह सब कर लिया। और अब बना रही हूँ नाश्ता साथ के साथ, और बनाने वाली मैं ढोकला। मैं चल ढोकला बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए घर पे नहीं बनाया। कल खाया था लेकिन वो मार्केट का खाया था। अच्छा घर पर बना लेते हैं हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। हमारा ढोकला बन के रेडी है और खाते हैं। मैं नाश्ता बताया कितने बजे हो रहा है, 12:30 बजे। तो गाइज आप फ्री हुई हो, मैं ऊपर कपड़े सुखा के फिर मैंने हेयर वॉश किया। नहा तो सुबह ली थी खैर में, और हेयर वॉश किया फिर कपड़े उतार के सूखे सूखे। और अब बजाय डेढ़ और हर्षित के पापा गए हर्षित को लेने, और उसने काम भी था तो अब जाके गाइज में फ्री हुई। तो गाइज हर्षित स्कूल से आ गया है और ये देखे हैं छोले भटूरे पापा के साथ जाके, ये देखो। और ये ढोकला बनाया था आज, तू खाता नहीं इसलिए तेल ले रहा है। बनाया था, बनाया था। चल खा ले जल्दी। तो गाइस अभी चलते हैं ऊपर पौधों में, देखते हैं पानी वानी डाल लें। और ये जी ओजी पे हुए हमारे ऊपर, मेरे पे भी आया वो तो। सुबह ही डाला ना पानी, है ना? मैंने इसलिए नहीं डाला कि बारिश आ रखी थी। भगवान की दुआ से ग्रोथ तो बढ़ी है। नहीं सुबह सुबह डाल दो, 6 बजे ना, जैसे 6:30 बजे डाल देते हो। देखो जामुन का पेड़ कितना बड़ा हो रहा है, जामुन आ जाए तो मजा आ जाएगा इस पे। तो काटने पड़ेंगे, नीचे डंडी मोटी होगी ना तब आते हैं ना। हाँ डंडी मोटी करते रहो। तो गाइस बजने वाले 8 और मैं समेट रही थी कपड़े, क्योंकि मैंने आज सुबह मशीन लगाई थी कपड़े धोए थे। और हर्षित गया है ताई जी के यहाँ पर, क्योंकि कल उसकी छुट्टी है। अब 2-3 दिन तो छुट्टी है गाइस, तो कह रहा है कि चलो होमवर्क तो मैं आके कर लूँगा अभी। मतलब इतनी जल्दी सोने की नहीं है, मतलब सुबह जल्दी उठने की। वैसे कल ही सुबह जल्दी उठने वाला है स्कूटी सीखने के लिए। और मुझे भी कह रहा हूँ मेरे आ रहे हैं यहाँ पर पसलियों में गाइस, नस पे नस चढ़ गया, नस खा गया यहाँ पसलियों में, बहुत मतलब पेन हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। मैं कहा मैं ठीक हुई तो जाऊंगी, अदरवाइज नहीं जाऊंगी। और मतलब टेढ़ा होने में भी ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मूवमेंट ना करती रहूँ एक जगह, नहीं तो अकड़ जाती है चीज़ ना।
इसलिए बैठ नहीं रही मैं। हाँ मुझे लेट नहीं हो जाता, परेशानी हो रही है, मतलब मुझे किसी भी करवट से लेटा नहीं जा रहा। ये ना बहुत खिंचाव हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ से हो रही है गाइज, यहाँ पे यहाँ से ही लेके यहाँ तक दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा वाली। गाइज हम आज लेने वाले हैं इंटरेस्टेड सा चैलेंज, और हर्षित मुझे देगा चैलेंज और मैं हर्षित को देने वाली चैलेंज। बहुत अच्छी से गेम खेलने वाले हैं हम, और जल्दी से खेलने हैं क्योंकि पहले तो गाइज मैं गेम स्टार्ट करने से पहले हर्षित की आँख पर पट्टी बांध देती हूँ ताकि इसको कुछ दिखाई ना दे कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या चैलेंज लेने वाली हूँ। तो ये बांधो भाई, पट्टी बांधो अपने आप से, चलो ऐसे की दिखाई ना दे, इधर मना दिए कि अपनी आँख फोड़ ले। वैसे ईमानदार है मेरे बेटा भाई, तो देखना ही तो नहीं है, दिख नहीं रहा, बांधना, गांठ नहीं आती तुझे बांधनी। तो गाइज हर्षित के बांधिए पट्टी, हर्षित ले। क्या? तो गाइज मैं चेक कर रही थी इसको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो अभी करते हैं गेम स्टार्ट। तो गाइज मैंने दो ये बाउल लिए हैं और इसमें रखूंगी एक पैकेट ये, और इसमें रखूंगी एक पैकेट ये, और दोनों को मैं बंद करने वाली हूँ और हर्षित के सामने रखूंगी दोनों बाउल, ये भी, और हर्षित इसमें से कोई सा भी चूज करेगा और वो टेस्ट करके बताएगा कि ये कौन सा पैकेट का है और क्या है। आर यू रेडी हर्षित? हैं? मैं तो सोने वाला हूँ, बस सो जल्दी कर जल्दी कर। अच्छा तेरे सामने ये टू बाउल रखे हैं, इसमें से तू ओपन कर एक और वो पैकेट को निकाल और उसको फिर ओपन कर और फिर टेस्ट कर और बता कि ये कौन सा पैकेट है। एक ही खोलना है तुझे। अरे भाई इसमें से खुशबू कैसे आ जाएगी, ये पैक क्या बिल्कुल बंद है और पैकेट भी बंद ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे ये बताना है क्या है, ये इसका नाम क्या है? एक और खाना पड़ेगा, ये टका टका रेड वाला फिर पिंक। हाँ करेक्ट। और अभी रुक जा भाई, अभी गेम बाकी है। ठीक अभी खिला दो। अरे चुप रह, अभी हम दोबारा करते हैं इसके साथ। मुश्किल दो वो, ये वाला रखते हैं हम फिर देखते हैं। वो इजी सा चला गया तो शायद वो तो कोई भी बता देता। चलो आशित चूज करो, सेकंड राउंड मिक्स कर दिया, स्टार्ट। यस ये वाला मेरा। ये है ग्रीन वाला लेस। अरे यार हर्षित दोनों राउंड में पास हो चुका है तू भाई, क्या बात है। तू तो खाता भी नहीं है फिर भी तूने एक्यूरेट बता दिया ये चीजें हैं। खाता है लेकिन इतना नहीं खाता कि डेली लाता हूँ पैकेट, है ना, कभी आ जाते हैं। तो गाइज हर्षित जीत चुका है और लास्ट राउंड है मेरा, अभी एक राउंड और बचा है, उसमें भी देखते हैं क्या है क्या नहीं। हार्ड दो ये रखती हूँ इसमें और देखती हूँ अब जान पाता है जान पाता है। चलो अशु लास्ट राउंड आज ये वाला। भाई तुझे अच्छा मिल रहा है खाने को? अच्छा है, अच्छे होते हैं सारे भाई तुम्हारे लिए तो ये पैकेट।
ठीक है अभी ये सॉल्टी फ्लेवर था और नहीं ये समझ नहीं आ रहा रुक जा एक मिनट मैं तो रुकी हुई हूँ लेकिन जल्दी बता मेरे पास टाइम नहीं है इतना अब तू सारा पैकेट खाली करके बताएगा हाँ करेक्ट 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 चलो हर्षित जीत गया यार तीनों राइंड जीत गया सही बताऊँ ये ना बच्चों से पूछना बेकार है क्योंकि इनको सारी चीजें याद होती है सारे फ्लेवर याद होते हैं इनको लेकिन हम जैसे को याद नहीं रहती एक तो हम कम खाते हैं और एक हम इतना ना ध्यान नहीं देते रुक तो जा हम इतना ध्यान नहीं देते इन चीजों पे ना कि कौन सा क्या है क्या है और शायद मैं तो हार ही जाऊंगी सही में यार चलो भैया बैठते हैं बांधे अच्छे से बांधूंगा हाँ दिखना दिख तो नहीं रहा पागल है क्या काटनी आती लड़के को बांधनी मैं खुद ही बांध लूंगी हटा मैं खुद ही बांधूंगी ऐसे मुझे दिख ही जाएगा वो दिख ही जाएगा मुझे नहीं चीटिंग बस यार सही में चल बंद कर दिख तो नहीं रहा नहीं और जब वो पट्टी चम्मच नीचे आ सकते तो मुझे सब कुछ दिख सकता है फिर कुत्ता बैठ ये मुड़ मेरी खोपड़ी खींच ली तूने मैं ये चम्मच खुद ही बांध लूंगी इसे तो अच्छा मेरा कहाँ कितने हैं ये कितने हैं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा ले लो पहला हाँ चेक कर रहा था मैं तुम जो रखने तो दो मम्मी के लिए मम्मी के लिए ये रखता हूँ रुक जाओ अभी एक ये और एक 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 और कौन सा है पैकेट कम है एक दो पैकेट पीछे है तो गाइस एक तो ना नाम भी नहीं बताया इन पैकेटों के सही में मैं तो हार जा हारने वाली हूं गाइस एक ये रखा है मैंने और एक ये रखा है मम्मा आप चुन लो मैंने रख दिया चलो कोई से भी चुनो मैं तो दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे मुझे तो मैं क्या ही फ्लेवर तो ऑसम है इसका ब्लू वाला चिप्स यस पर कंपनी लेस हो गई या यस ये अब सबसे हार्ड चैलेंज तो गाइस ये वाला रखा है मैंने इसको मिक्स कर देता हूँ मैं हाथ नहीं हाथ नहीं हाथ से भी आएगा तो मुझे कौन सी दिखाई दे रहा कुछ तो गाइस मैंने कर दिया है चलो कुछ भी नहीं आपने सही दिया था थोड़ा हिंट दिया सही था पर गलत था पॉपकॉर्न वाला पैकेट है वैसे पॉपकॉर्न फ्लेवर है अरे नहीं नोप यार मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉपकॉर्न ही आज वैसे तो ये नहीं नाम थोड़ा अलग है आप थोड़ा अलग नाम ले रहे हो पॉपकॉर्न यस या मेरे फेवरेट है वैसे ये एक मुझे भी खिला दे दो मैं भी खाऊंगा अब तो मम्मी पक्का जीते अब तो जीत गई येलो वाला ले पक्का गलत ये ग्रीन वाला लेस था हाँ
मुझे तो ये भी नमक सा ही लग रहा है। यू आर हारिंग, यू आर हारिंग, हारिंग है सही में। मैं टेस्ट उसका ऐसी है येलो ऑरेंज सब। मम्मी ये क्या करा आपने, ये तो आप इतना खाते हो जब गाड़ी मतलब जब ट्रैवल में जब बाहर जाते हैं ना आउटिंग के लिए तो ले जाते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट कुछ अजीब। क्या बोली? इसका नाम तो मुझे वैसे भी याद नहीं आता, अगर मैं इसको खोल लेती ना मुझे नहीं याद आता, मुझे इसका डर लग रहा था सर, क्योंकि ये लाते नहीं खाते नहीं है। अब आप देखो बजे हैं कितने, 10:15 बल्ले बल्ले। और एक ब्लॉग में आ गया है आज ट्विस्ट, क्या आ गया है अजी अजी का फोन है, अभी कह रहे हैं आज भाई आ रहे कनाल से। मैं कहा बहुत जल्दी बता दिया हमने मुझे कि तू खाना बना लिया, उन्होंने बनाने वाले थे गाइस क्या बनाने वाले थे, मल्टीग्रेन खिचड़ी, क्योंकि हम कई दिन से ना थोड़ा थोड़ा ही खाना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना लो सही के साथ खाएंगे। बट अब भी फोन आया कि भाई आ रहे हैं कनाल से खाना बना ले। अब मैं क्या बनाऊँ बताऊँ, 10 बजे ये चैलेंज है मेरे लिए। दिल्ली में 10 बजे कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है, एक होता है ना कि खाना बन गया भैया देखो अब मुझे जल्दी जल्दी में जो मिलेगा मैं वो ही बनाने वाली हूँ खाना, वैसे भैया सब चीज खा लेते, भैया कभी कोई कम्प्लेन नहीं करते, वैसे भैया कोई गेस्ट तोड़ना है अपने घर के ही तो है, ताऊ जी तो है ना भैया, बस तो कोई नो फॉर्मेलिटी, भैया तो वैसे बोलते हैं नो फॉर्मेलिटी और तो गाइस बस मैं ओवर करके दिमाग में सोची बनाऊं क्या किचन में जाके, तो गाइस सब्जी तो है भी नहीं कोई भी, ये चैलेंज करके मजा बताया, ये चैलेंज करके बहुत मजा आया। और गाइस अब हम और चैलेंज लेने वाले हैं, अब देश अब पार्ट टू आएगा जब इस पे 150 लाइक होंगे। चलो 150 नहीं इतने नहीं हो पाएंगे, करते ही नहीं है ना, चलो 60 लाइक्स आप लोग करते नहीं, वीडियो पूरी वॉचिंग करोगे बट लाइक करना, 60 लाइक्स कर देना, इसका पार्ट टू आएगा देसी वर्सेस परदेसी फूड। आपके पता है क्या होगा, वो भी होगा और जो मतलब आपकी हम एक बार और रखेंगे चैलेंज, अगर जो भी जीता ना जो जीतेगा ना वो हारने वाले को एक चैलेंज देगा, क्या कि उसकी पसंद के अकॉर्डिंग उसको खाना खाना होगा, जैसे या तो हम चीज डालेंगे ग्रीन येलो व्हाइट है स्पाइसी, तो उसको वही पूरे दिन खाना वही खाना पड़ेगा। मैं तो स्पाइसी आ गया, बहुत अच्छा रहेगा। हम ये भी डाल सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल, तो उसमें घिया तो टिंडे ही खाने पड़ेंगे, और ये नहीं यूं छुआ के नहीं, पूरे जैसे तुम रोटी खाते हो रोज पेट भर के ऐसे ही खाना पड़ेगा गाइस। जंक फूड भी होगा ना, देखो चार पांच दिन है नहीं, बाहर से भी डेडी वाले सब चले गए क्योंकि 10 ही बज रहे हैं, तो ये क्या ही बनाऊं फिर मैं, इसलिए मैंने लाई भी नहीं, हर्षित स्कूल जाता है ना तो सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो मैं ले आती हूँ सब्जी की सुबह इसके लंच में रखनी होगी, बट ये स्कूल नहीं जा रहा था तो मैं भी आई, मैंने कहा आराम से उठेंगे और आराम से नाश्ता वास्ता करेंगे जो भी है जो ये खाएंगे सुबह, तो बस आज मैं थोड़ा सा लेजी बना गया, और मैं गई भी थी, मैं टमाटर तो ले आई बट सब्जी नहीं लेके आई, मैं कहा पता नहीं आज मैं खाना बनाने वाली थी, मैं ही बना रही थी दाल चावल, मैंने कहा देखती हूँ फिर क्या बनाऊँ, तो दीदी कह रही दाल चावल मैंने ही बना रखे नीचे, तो नीचे खा लेंगे भैया, तो मैं कहा चलो ऊपर नीचे तो खैर कोई बात ही नहीं है। और तो गई 11:30 बज गए, भैया इंतजार कर रहे हैं कब से इनका, ये आएंगे तो खाना खाएंगे इकट्ठे ही, और मेरा बच्चा तो सो भी गया, हर्षो उठ जा बेटा खाना तो खा ले उठ जाओ। तो गाइस पता है अब कितना बज गया देख लो, कितने बजे हैं 1:30 बज गया है, और हम अभी आराम से बैठे हैं चिल मार के बैठे हैं सोने का, देखो कोई जुगाड़ नहीं है, और एजी ओजी अभी लेटे हमारे, और गाइस आज तो मस्त हमने गेम्स खेली और चैलेंज लिया हर्षित और मैंने, अभी हम और इंटरेस्टेड बनाने वाले हैं ब्लॉग, और कल या परसों हम एक और चैलेंज लेंगे वो आपको बताया हमने, और कुछ सरप्राइज भी है गाइस। और चलो गाइस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट्स करके बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस टेक केयर गुड नाइट बाय बाय। बजाय चैलेंज में कल क्या होने वाला है, कल देखते हैं गाइस, कल देखेंगे, बाय बाय।